गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म. बेटे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट शुरू कराया था व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन. तो बेटे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, तो मैंने आपको सिखाया कि पहले आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद रियलाइजेशन, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, लोन है तो लोन अकाउंट बनाइए, और उसके बाद बेटे लास्टली हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट. तो बेटे अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करा रही हूँ बेटे, जिसमें हमें क्या गिवन है. अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाती हूँ जिसके अंदर बेटे आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है. तो देखो बेटे, इसी के लिए मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 24. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है पी क्यू आर पार्टनर्स द रेशियो बिटवीन द थ्री 2:1. अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं आपको 40,000, 30,000 एंड 20,000. 6% आपको इंटरेस्ट लगाना है. ड्यूरिंग द ईयर फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो है बच्चों क्वेश्चन में 25,000, और पार्टनरशिप में जो फर्म के पार्टनर्स हैं बेटे 10,000, 8,000 और 5,000 क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं. तो देखो बेटे सबसे पहले आप लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे. अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फर्स्टली आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, आपने उस साल का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिया बेटे, ट्रांसफर कर दिया. क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि कैपिटल एट प्रेजेंट कितनी है. ये है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 25,000 का. अब आपको क्या रखा है, इंटरेस्ट और कैपिटल लगाना है. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी कैपिटल, पी पे कितना लगाओगे, क्या होगी कैपिटल पे कितना, और आर की कैपिटल पर यहाँ लिखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से पी कैपिटल, क्यू कैपिटल एंड आर कैपिटल. देखो बेटे इंटरेस्ट बेसिकली कैसे लगाओगे, 40,000 की कैपिटल है, 6% लगाओगे बेटा 2400, 1800 और 1200. ठीक है बेटे, 2400, 1800 और 1200. इसके अलावा बेटे हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लगाना है या नहीं लगाना, कैसे हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. तो बेटे हम लोग इसका क्या कर लेंगे बेटा, टोटल कर लेंगे. याद आएगा हमारे क्वेश्चन के अंदर 5,400. ओके, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में आ गया बच्चों टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल एंड आर्स कैपिटल. ओके, तो बेटे अब आप इसमें इसका आंसर निकालोगे 25,000 ये है बच्चों, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 19,600. और इसको बेटे हम लोग क्या करेंगे 2:1 में डिवाइड कर देंगे. तो आ जाएगा बेटे 19,600 का 2:1 7,840, ये भी 7,840. और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा 3,000, दो तिया छह दोनों में 18, ये आ जाएगा 23,920. तो बेटे इस क्वेश्चन में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग बनाएंगे बेटे कैपिटल अकाउंट. क्योंकि देखो बेटा इसमें प्रॉफिट के हिसाब से हमें कैपिटल को एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा कि फाइनली हमारी कैपिटल कितनी है, और उसके जस्ट बाद बेटे हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट. देन वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Particulars, P capitals, Q की capital और R capital. Okay? Particulars, P, Q and last one is R. सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे बच्चों बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो बेटे पी की कैपिटल थी क्वेश्चन के अंदर 40,000, 30,000 और 20,000. पी के ओआर की 40,000, 30,000 और 20,000.
तो देखो बेटे यहीं से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो बेटे आप लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे भी देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप लोग क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है पे टू पी कैपिटल टू क्यू टू आर। तो बेटा कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द अमाउंट इज 2400 1800 एंड 1200। अरे एक बेटा हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट इज 7840 एंड दैट इज 3920। आपको ये भी दे रखा ना ड्यूरिंग द ईयर फर्म में पार्टनर्स इतना इतना पैसा विड्रॉल करते हैं, तो ये बेटे आ जाएगा हमारी डेबिट साइड पे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो बेटे डेबिट साइड पे आप इसको शो कर देंगे, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 और क्यू का दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 8,000 और 5,000। ठीक है बच्चों, इससे बेटे हमारे पास इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो कैपिटल के आ जाएंगे। तो बेटे हम इसका टोटल करेंगे और ये आ जाएगा बेटे हमारी डेबिट साइड पे टू बैलेंस सीडी। ये थोड़ा सा हमारा जो बेटे बेसिकली आप भी क्वेश्चन करते हैं बेटे, तो इस बात को थोड़ा ध्यान भी रखेंगे बच्चों कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ये लगभग क्या लगे बच्चों, इक्वल लगे। ओके तो बेटे हम इसका टोटल करेंगे, ये हमारा जो टोटल है ये फर्स्ट का टोटल बन जाएगा 50,240। ये आ जाएगा 50,240 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 37,38 और ये बन जाएगा बेटे हमारा 39,640 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 25,720। ओके इट्स अ 120। तो बेटे यहाँ पर आ जाएंगे हमारे कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंसेस, आप लोग क्रेडिट साइड से डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 40,240 30,640 और ऐसे ही बेटे टोटल आ जाएंगे 50,240 39,640 और इसमें से आ जाएगा बच्चों हमारा 20,120। तो बेटे देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, तो हमने बेटा पहले इन्होंने प्रॉफिट डिवाइड नहीं कर रखा, प्रॉफिट के बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट डिवाइड करने के जस्ट बाद हमने बनाया इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। अब बेटे हमारे पास जो कैपिटल आई है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बेटा बैलेंस शीट में। अब उसके बाद जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा एज इट इज मेंटेन हो जाएगा। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या बनाएंगे, इस क्वेश्चन में अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखो बेटे बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे बेटा, एक तो लिखेंगे हम लोग यहां पर हमारे पास क्या है क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, उसके बाद आप लिखोगे बेटा आर कैपिटल। ओके तो ये देखो बेटे 40,240 30,640 अरे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 20,120। अब देख लीजिए बेटे बैलेंस शीट में इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन है तो ऑन 31 मार्च फॉर्म डिसॉल्व हो गई है। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स भी गिवन है, तो बेटे आप लोग तो यहाँ पर क्रेडिटर्स भी लिखोगे क्रेडिटर्स, ये आ गए स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें 15,000 के। तो बेटा हमारे पास एसेट साइड में कुछ नहीं है, तो बेटे ये जो हमारा टोटल आया है 1,07,000 ये हमारी बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा बच्चे हमारा एसेट्स ऑफ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों 1,07,000। ओके उसके बाद बेटे
हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट डिवाइडी है, पहले आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, और उसके जस्ट बाद पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट ताकि हमारी क्लोजिंग कैपिटल मिल सके, उसके बाद हम लोग बनाते हैं बेटे बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बेटा, जैसे हम लोग सिक्वेंशियली क्वेश्चन करते हैं, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी एसेट्स, जितनी भी लायबिलिटीज हमारे पास हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए बेटा, दिस इज अ बैलेंस शीट विच इज गिवन सन्ड्री एसेट्स। तो क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जो हमारी बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर है 1,07,000। उसके अलावा बेटे क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करोगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय क्रेडिटर्स 15,000। उसके अलावा देखिए बेटे अपने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, इसने कहा कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी हुए हैं, तो बेटा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं बच्चों हमें 1,450। उसके अलावा बेटे हम लोग यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट भी करेंगे टू बैंक अकाउंट, देखो बेटे 15,000 के हैं, 3% आप करोगे इसमें से तो ये आ जाएगा बेटे 450, तो ये बन जाएंगे बेटा हमारे 14,550। ओके, और देखो बेटे कोई और लायबिलिटी है, कुछ हमें पे करना है क्वेश्चन के अंदर, तो बेटे इस क्वेश्चन में आप लोग एसेट की रियलाइज वैल्यू दे रखी है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 फॉर द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट। ओके, उसके बाद हम लोग बेटे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका टोटल करेंगे, यह आ जाएगा स्टूडेंट 1,23,000। ओके, तो बेटा 1,15,000 ये है, तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन में आ गया लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम है बच्चों पी क्यू आर। ओके, ये आ गया बेटे हमारा 8,000। अगर आप इसको लिखोगे बेटे तो ये आ जाएगा 3,200। और ये आ गया बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 1,600, इसका टोटल आ जाएगा 8,000, 1,23,000। अब बेटा वही सीक्वेंस चलता रहेगा, अब हम दोबारा से क्या बनाएंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसके अंदर बेटा अब पी क्यू आर पी क्यू एंड लास्ट वन इज आर, यहां आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स एंड हेयर पर्टिकुलर। सबसे पहले बेटे हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंसेज। ओके, तो बेटे हमने यहाँ एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर बैलेंसेज लिखे हैं बेटा, ये आप ट्रांसफर कर देंगे, लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 40,240। उसके बाद आ जाएगा 30,640, और उसके बाद बेटे लास्ट आ जाएगा 20,120। उसके बाद देखियो बेटे हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिकली हमारा क्या आया है बेटे, रियलाइजेशन का लॉस आया है। ओके, दिस वन, इसको आप ट्रांसफर करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये दे रखा है बेटे हमारा, हमने जो कैलकुलेट किया है 3,200 एंड 1,600। उसके अलावा देख लीजिए बेटे क्या हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ अलग से भी बता रखा है। ओके, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है बेटे, यहाँ एक माइनर सी मिस्टेक हुई है, मैंने अभी चेक किया आपको क्वेश्चन कराते हुए, यहाँ आएगा बेटे 31,000। ओके, तो आ जाएगा 39,640, यहाँ भी बेटे हमारा आएगा 31,000। ओके, आप करेक्ट कर लीजिए बाद में, तो बेटे यहाँ भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बच्चों बेसिकली 31,000। ओके, ठीक है बेटे, 31,640 ये माइनस ही बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी। ओके, अब बेटे आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, और तो कोई डेबिट साइड पे कोई टर्म नहीं है बेटा लॉस के अलावा, इनका लमसम कर दोगे, टोटल कर दोगे,
40,240, 31,640 और 20,120. ऐसी बेटे यहां पर आप लोग इसको निकालोगे, ये आ जाएगा बच्चों हमारा टू बैलेंस सीडी. ओके, अब देखो बेटे इनकी बैलेंसिंग आप लोग कर लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ. ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंसेस निकाल लेंगे. ये आ जाएंगे बेटे हमारे टोटल ऑफ बैलेंसेस. तो बेटे ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं. यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक और कर दी मैंने अभी, ये आएगा बेटे टू बैंक अकाउंट. क्या आएगा बच्चों, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पर हमारी फंड डिसॉल्व हो रही है. इट्स अ फाइनल पेमेंट. ओके, अब बनाएंगे बेटा लास्ट वन हम लोग, बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट के अंदर बेटे सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास कैश का बैलेंस है. देखो बेटे बैलेंस शीट में नहीं है ना कैश का बैलेंस, तो बेटे हम लोग उन ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करेंगे जहां पर हमने बैंक लिखा है. तो देखो बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, बाय बैंक लिखा है बेटा एसेट्स के लिए. तो बेटे ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख. ओके, उसके अलावा देखो बेटे यहां पर टू बैंक लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ये आ गया बेटा 1450. और एक आ जाएगा बेटे क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,550. एक बेटा हमने बेसिकली पी के ओ आर की पेमेंट की है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा बाय पी कैपिटल अकाउंट, बाय क्यू कैपिटल अकाउंट, बाय आर कैपिटल अकाउंट. ठीक, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 37,040, 28,440 और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 18,520. और देख लीजिए बेटे हमने बैंक अकाउंट वर्ड कहाँ कहाँ इसमें यूज किया है. इसका कैश का बैलेंस करेंगे बेटा. ओके, तो ये है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर टोटल इसका 1 लाख. बेटा हम लोग इस साइड का भी टोटल करेंगे बेटे, दिस विल आंसर इज 1 लाख. ओके बेटे, क्वेश्चंस आपका नो डाउट बहुत ज्यादा लेंथी है, आई नो, बट इट्स सो मच इजी क्वेश्चन बेटे. पेपर में बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, क्या नहीं रहता, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट वो प्रिडिक्शन कहाँ तक सही रहती है, इट डिपेंड्स ऑन योर लक. ओके, तो बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता. जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने सिखाया है, ये हम आपको बेटा अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत बार करवाते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा बेटे आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत होगी. तो बेटे डोंट वरी, क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेटिव है, बट सो मच इजी कॉन्सेप्ट. आप ट्राई कीजिए बेटे इस रिलेटेड क्वेश्चन, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.